नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं कि गेहूं में खाद डालने से क्या डिफरेंस हुआ है और क्या डिफरेंस नहीं हुआ है, जो कि हमने दो दिन पहले ही डाला है परसों के दिन, और आज हमको डिफरेंस देखने को मिल गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे गांव वाले खेत पर आए हैं और गेहूं की बोनी हो चुकी है और पानी गिर गया था तो फिर अच्छे से उग गई है। जैसे कि ये देख सकते हैं, कुछ जगहों पर गेहूं खराब भी हो गई थी तो हमने फिर से बोया है 5-6 दिन पहले, तो ये भी अच्छे से उग गई है। ये देख सकते हैं, ये पूरे खड़े होकर बगाई किया था हमने और बिजली की समस्या के कारण अच्छे से बगाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी बारिश हो गई है 2 बार, 28 तारीख को भी और 5-6 तारीख को भी, तो ये गेहूं अभी अच्छी उग गई है। अभी खरपतवार वगैरह भी कम ही है, लेकिन अभी देख सकते हैं आप, ज़मीन पूरी अभी गीली है, पैर रखने से पैर के निशान आ रहे हैं, उंगली धंस रही है। अभी हमने परसों के दिन उस वाले खेत में और इस वाले खेत में यहाँ घर के पीछे तक मिलाकर 4 बोरी यूरिया खाद का उपयोग कर दिया था, तो उसका डिफरेंस आज देखने को मिल रहा है। दिखाते हैं आपको कितना डिफरेंस हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ यूरिया खाद फेंक गई है वहाँ पर अभी सुबह का ही टाइम है, 9 बज रहे हैं, तो वहाँ काला दिख रहा है, और जहाँ पर यूरिया खाद नहीं गई है वहाँ की पत्तियाँ काफ़ी पीली दिख रही है। जो हमने निशान भी लगा दिया है लकड़ी का, इससे भी डिफरेंस पता चल जाएगा, आपको भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये लकड़ी की इधर साइड फिक गई है और इधर साइड नहीं फिकी है, तो इधर काफ़ी पीला दिख रहा है, और पानी नहीं मिलने के कारण गेहूं भी कहीं छोटी कहीं बड़ी है आधे खेत में, और इधर बीच में भी बोया था हमने, तो अभी देखिए काफ़ी छोटे पौधे हैं निकल रहे हैं अभी, और कुछ कुछ बड़े हो गए हैं। अभी बोना आवश्यक था क्योंकि यहाँ पर पौधों की संख्या बहुत कम थी गेहूँ के, ज़्यादा पानी मिलने के कारण भी हो सकता है ऐसा। अभी अंकुरण भी निकल गया है, एक साथ ही बोया था हमने, जबकि इसको क्रॉस बोया फिर भी उतनी घनी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा 4-5 दिन लेट पानी मिला है, और यहाँ पर आधे खेत में पहले हो गया था, तो काफ़ी अच्छे गेहूँ निकल गई है, अच्छा पौधे का भरभार हो गया है। अब दूसरे खेत में जाकर दिखाते हैं घर के उधर साइड, उधर क्या स्थिति है, फिर हम इसमें स्प्रे करेंगे 1-2 दिन में, उसका वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए। नहीं देख सकते हैं दोस्तों, हम अभी यहाँ साइड वाले खेत से इधर आ गए हैं। अभी यहाँ पर मक्के की बोने के कारण जो गोही वगैरह के कारण गेहूँ नहीं उग पाई है ढंग से, लेकिन बाकी इसमें भी गेहूँ वगैरह सभी ठीक उगी है। अभी कहीं कहीं असर दिखने लगा है यूरिया खाद का, अभी इतना तो तिरछा तिरछा दिख रहा है, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण ना सही नहीं दिख पा रहा है। हमने इसको भी क्रॉस किया था तो ये क्रॉस अच्छा दिख रहा है, और ये खरपतवार वगैरह भी देख सकते हैं काफ़ी हो गई हैं, ऐसे मेथा बोलते हैं, मेथा की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है इस खेत में, तो हम इसमें अभी कल या परसों में ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से स्प्रे करेंगे, तो इसका वीडियो पूरा विस्तार से लेकर आएंगे। कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर भी गेहूँ ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पर हमने लेकर नहीं आया क्योंकि यहाँ पौधे वगैरह तो उग गए हैं, लेकिन खरपतवार की समस्या से बहुत परेशानी है। जी अभी 25-26 दिन की फसल हो चुकी है, उधर शुरू से इधर 3-4 दिन लग गए थे बगाने में, इधर से स्टार्टिंग से 22-24 दिन की समझ सकते हैं इसको फसल को। ये देखिए कितनी ज़्यादा खरपतवार हो गई थी धान की फसल में भी, और अभी गेहूं में भी। इसमें अब दवा का स्प्रे करेंगे, कितनी मात्रा में कर रहे हैं सारी जानकारी देंगे आपको। उस वाले खेत में तो कम खरपतवार है, लेकिन इसमें बहुत अधिक है। ये देखिए अभी सुबह का समय है तो ओस वगैरह भी काफ़ी रहती है, और जो भी कार्य करेंगे आगे तो इसके भी जानकारी आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। आप भी किसान भाइयों, पहले पानी से पहले यूरिया खाद का उपयोग कर लें तो अच्छा अब्जॉर्प्शन होता है और पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलती है। हम इसमें अभी खरपतवार नाशक के उपयोग के बाद हम इसमें अभी टॉनिक वगैरह या बूस्टर का उपयोग भी करेंगे, जैसे कि फसल को सारा न्यूट्रिशन मिल जाए, और इधर ये बिना बगी पानी की भी फसल अच्छे से उग गई है, जो कि बारिश के कारण अच्छी उग गई है, बगाना नहीं पड़ा, यहाँ 2 दिन लग जाते नहीं तो बगाने में इतनी जगह में। अभी नमी काफ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की शानदार जानकारी हम एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।